महिला कांग्रेस ने रविवार को 40वां स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में स्थापना दिवस के मौके पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान जैनब चंदेल ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते दिन चुनावी जनसभा के दौरान हिमाचल की कांग्रेस सरकार की गारंटियों और आर्थिक स्थिति को लेकर साधे गए निशाने पर पलटवार करते हुए जैनब चंदेल ने क्या कहा, सुनिए। हाँ, जैसे सबसे पहले तो मैं अपनी महिला कांग्रेस की सभी बहनों को महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि आज महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है और आज के दिन ही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी अभी कुछ ही देर में महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, ताकि महिला कांग्रेस सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जितने भी महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं उनको उठा सके, उनके साथ खड़ी हो सके। और मैं बताना चाहूंगी, ये बहुत खुशी की बात है महिला कांग्रेस के लिए, और हमें हमेशा इस बात पर गर्व होता है कि महिला कांग्रेस की स्थापना स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में की थी। उनकी सोच थी कि महिलाएं ना केवल घर की चार दीवारी में रहकर कार्य करें, अपितु वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकलकर अपनी आवाज को बुलंद करें। आज हमारा मुद्दा स्थापना दिवस का है और हमारी सदस्यता अभियान का है। आप विपक्ष की बात करते हैं, उनका काम है कि वो, उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं। 10 साल से वो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं, 15 लाख आए क्या? पहले वो बताएं जो उनके मैनिफेस्टो में था, या उनके मैनिफेस्टो में कुछ था ही नहीं, आप बताइए ना। जो उन्होंने जो बातें कही हैं, 15 लाख की बात करी, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनका कोई जवाब नहीं है। तो ये सारी बातें राजनीति तौर पर कही जा रही हैं, राजनीति कर रहे हैं, इलेक्शन के टाइम में आते हैं। आज मेरा फोकस वैसे इसी पे ही रहेगा, लेकिन महिलाओं की अगर जहां बात आती, प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए जहां महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, विनेश फोगाट की बात करते हैं, आप बताइए ना। तो ये सारी बातें ये राजनीति करते हैं, सिर्फ राजनीति। जब इलेक्शन होते हैं तब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद सारा गौण हो जाता है। और महिला सुरक्षा में तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल हुई है, इसके लिए तो जितना भी कहा जाए ना उतना ही कम है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।